वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. द नेक्स्ट सेशन इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ यू टू अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेट्स जस्ट लाइक फॉन्ट कलर बॉर्डर सेटिंग एटसेट्रा टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन और रूल्स. कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या कहती है कि आप कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेल के ऊपर या फिर रेंज ऑफ सेल के ऊपर. और ये स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या होगा, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी रूल्स हो सकता है. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस बच्चे के बहुत 60% है वो रेड कलर में हो तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, कंडीशन हो गई. या किसी का नाम अंकित है देन जो अंकित नाम से कोई बच्चा है वही रेड कलर में आए. तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने सेल के अंदर या रेंज ऑफ सेल के अंदर. कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूजफुल व्हेन यू वर्क ऑन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड वांट टू हाईलाइट सम स्पेसिफिक सेल. कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तब अपने काम में आती है जब अपन काम करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर और साथ ही साथ अपन कुछ एक सेल को ही हाईलाइट करना चाहते हैं. बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यू कैन कंट्रोल द फॉलोइंग फॉर्मेट्स इन स्प्रेडशीट. क्या क्या अपन इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अपने आता है नंबर फॉर्मेट, कोई भी नंबर फॉर्मेट है वो कर सकते हैं. फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर कर सकते हैं. फिल कलर और फिल पैटर्न, पैटर्न भी फिल कर सकते हैं और कलर भी फिल कर सकते हैं सेल के अंदर. एंड बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल भी कर सकते हैं. तो देखिए कैसे अपन अप्लाई करेंगे. तो अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल ऑन विच कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज टू बी अप्लाइड. आप क्या करें, रेंज ऑफ सेल है उसको सेलेक्ट करें जिसपे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है. क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन इन द स्टाइल्स ग्रुप इन द होम टैब. होम टैब के ऊपर आपको स्टाइल ग्रुप के अंदर मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन, उस पर क्लिक करें. द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर. यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा. तो देखते हैं कहाँ पर अपन को मिलेगा. तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये अपना सपोज दैट मैंने ये जो रेंज ऑफ सेल है वो सेलेक्ट किया है और यहाँ पर अपन को होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप अपना ये इसके अंदर अपन को ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है. तो देखिए क्लिक द हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन फॉर हाईलाइट द सेल. यहाँ पे अलग अलग हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन है जो सेल को हाईलाइट करेंगे. ए सब मेन्यू अपीयर, सेलेक्ट द डिजायर्ड कंडीशन. जैसे यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं तो हाईलाइट सेल रूल्स हैं, यहाँ पे अलग अलग अपन को कंडीशन मिल रही है तो जिस भी कंडीशन को अपन चूज करना चाहे वो कर सकते हैं. नेक्स्ट अपन को क्या कहता है, ये ए डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा आपको. स्पेसिफाई द वैल्यू इन द बॉक्स, आप यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करें. एंड क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो विद द बॉक्स एंड सेलेक्ट रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग. और यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग वो सेलेक्ट करें कि क्या क्या अपन को फॉर्मेटिंग करनी है. क्लिक ओके टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप यहाँ पे ओके क्लिक करें. तो देखिए अपन करते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं. यहाँ पे दे रखा है अपन को हाईलाइटेड सेल रूल्स. यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रेटर देन. पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि सपोज दैट मेरे को करना है लाइट रेड फिल डार्क रेड टेक्स्ट. तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है. जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आपकी जो सेल रेंज है उसके अंदर आपके अबो 75 जो वैल्यू है वो आपकी अलग से शो हो रही है. इसके नेक्स्ट आपका दे रखा है वो दे रखा है कैसे अपन जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसको रिमूव करते हैं. तो देखिए दे रखा है टू रिमूव द कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपली क्लिक द होम बटन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड क्लियर रूल्स. और फिर अपन को क्लिक करना है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर वर्कशीट जो अपन चाहते हैं. तो देखिए अपन करते हैं इसको. यहाँ पर मैंने किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक, हाईलाइटेड सेल रूल्स, सॉरी यहाँ पर अपन ऑप्शन मिलेगा अपन को क्लियर रूल्स का. तो क्लियर रूल्स अपन कहाँ से अपन हटाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एंटायर सीट से हटाना चाहता हूँ. तो देखिए ये अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है जो पहले था. इसके अलावा अपन चाहते हैं तो इसको अपन क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर अपन इसको कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और देन मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल रूल्स, ग्रेटर देन ऑप्शन यूज किया मैंने। और नेक्स्ट अपन करते हैं, यहाँ पर वैल्यू कर देते हैं अपन 70। यहाँ पर अपन सेलेक्ट करते हैं कस्टम फॉर्मेट। तो देखिए कस्टम फॉर्मेट अपन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं कलर है वो सेट कर देता हूँ, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बॉर्डर है तो बॉर्डर कलर भी अपन सेट कर सकते हैं, बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर लिया है। और नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, कलर इसका सेट कर लेते हैं। तो कलर मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ। फिल कलर आप चाहते हो तो फिल कलर भी आप सेट कर सकते हैं। फिल कलर जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिया है येलो, देन जैसे मैं ओके करता हूँ और देन अगेन ओके करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका कस्टम फॉर्मेटिंग जो आपने की है उसके अकॉर्डिंग आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो ये अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कैसे अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे अपन अप्लाई करते हैं और कैसे उसको रिमूव करते हैं। थैंक यू।